वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्नितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोदरण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतातिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यदपल्लवनखचंदमणिछटाय विस्फुजित किमपि गोबोधुष्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति शाराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं। वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते आमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मयं च तदपाश्रयं जयासनमहितो जीवो आत्मनं त्रिगुणात्मकं परोयोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगो मधोक्षजे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मयं च तदपाश्रयं जयासनमहित जीवो आत्मनं त्रिगुणात्मनं परो योऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगो मधक्षजे। गौरी गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए। हम लोग लघु है, लघु से भी लघु, इतना लघु ये कहा नहीं जाए। और श्री गुरुपाद पद्म बृहद से भी बृहद वस्तु तत् अपेक्षा बृहद वस्तु। गुरुपाद पद्म बृहद का सेवा करता है। गुरुपाद पद्म हर वक़्त चौबीसों घंटा दैट अद्वैत ज्ञान तत्व सर्वापेक्षा बृहद वस्तु का सेवा करते रहते हैं। एंड बृहद वस्तु अर्थात से अप्राकृत अधक्षज तत्व गुरु जी का प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर रहता है। गौरी गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जगत गुरु जी ने बताए। हम लोग लघु हैं, लघु से भी लघु, इतना लघु है हम लोग कि नापा नहीं जाए। और गुरुपाद पद्म बृहद से भी बृहद तदपेक्षा बृहद वस्तु अनंतदेव को ही गुरु माना जाता है। और गुरुपाद पद्म हर वक़्त सर्वापेक्षा बृहद वस्तु अनंतदेव गुरु रूप पकड़ के आते हैं अनंतदेव। और सर्वापेक्षा बृहद वस्तु अर्थात भगवत सेवा में चौबीस घंटा लगे रहते हैं गुरुपाद पद्म। और वो अधक्षज वस्तु गुरु जी का प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर रहता है। गुरुपाद पद्म को बृहद वस्तु तदपेक्षा बृहद वस्तु सर्वापेक्षा बृहद वस्तु बताया गया, क्योंकि अनंतदेव गुरु तत्व का आकर गुरु तत्व अलग अलग सदगुरु का रूप पकड़ के ये जगत में अवतीर्ण होते हैं बद्ध जीवों को बचाने के लिए। गुरु तत्व में जरा सा भी प्राकृत बुद्धि हो जाए तो सारे खत्म। जरा सा भी प्राकृत बुद्धि हो जाए गुरुजी में तो खत्म। और गुरुजी का जो प्रवचन है, सद्गुरु जी का जो प्रवचन है, जो आदेश निर्देश है, वो सही ढंग से समझना चाहिए। जरा सा भी गलत होने से बहुत मुश्किल भारी पड़ जाएगा। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि काल चर्चा हुआ जन्म कर्म च में दिव्यम जो में व्यक्ति तत्ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुहर्जुनो। अचिंतोचित शक्ति के द्वारा जो मेरा दिव्य जन्म दिव्य कर्म है, जो हम स्वीकार करके अवतीर्ण होते हैं जगत में नित्य धाम से, पूरा तत्व विचार करके सदगुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा ये अगर समझ में आ जाता है मेरा जन्म कर्म दिव्य है तो कहना ही क्या है। इसका ये दोबारा जन्म लेने का कोई दरकार है नहीं, इसी जन्म लास्ट अंतिम जन्म है, क्योंकि तत्वज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना ये गुरु कृपा के बिना होता नहीं, अपने आप तत्वज्ञान स्फूर्ति प्राप्त नहीं होती। गुरु कृपा के द्वारा वैष्णव कृपा के द्वारा तत्वज्ञान का स्फूर्ति प्राप्त हो जाए तो तत्वज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए तो बस और दोबारा जन्म लेने का कोई प्रसंग है नहीं। तद्विद्धि पुनिपातेन परिपेषण सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। ये कंडीशन है। आगे चल के ये सब विचार आएगा। और ये लोग जो है जो मेरा दिव्य जन्म कर्मों के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त, पूरा एकदम अनुभव के साथ, क्योंकि जरा सा भी अविश्वास रह जाए तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जरा सा भी अविश्वास है, इसमें संशय आत्मा विनाशवती, संशय आत्मा विनाशवती। संशय आत्मा विनाशवती मतलब क्या है कि आत्मा ध्वंस हो जाए, क्या माने हैं? अरे आत्मा तो अजर अमर है। संशय आत्मा विनाशवती मतलब है इसका तरक्की रुक जाए और पततिर अधर अधर नीचे नीचे चले जाए। ऐसा तो जीवात्मा का कोई ध्वंस है नहीं, जीवात्मा नित्य स्थिति है। जीवात्मा का चाहे किसी भी स्थिति में रहे, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यही तो बात है, ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते हैं और मेरा दिव्य जन्म कर्म का बारे में पूरा एकदम जानकारी प्राप्त है, तत्व विचार करके पूरा प्रतिष्ठित हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है, तो उनका लिए कोई पुनः जन्म ग्रहण करने का कोई सवाल ही है नहीं। और हमारा चित्त शक्ति प्रकाश रूप लादिनी शक्ति प्रकाश विशेष हमारा नित्य सेवा को प्राप्त करते हैं। लादिनी शक्ति का कृपा हो जाए मतलब भक्ति आ जाए, भक्ति मैच्योरिटी हो जाए, उसके बाद नित्य सेवा को प्राप्त करे। यही तो मेरा, यही तो हम लोगों का पूरा आखिरी गोल है, अंतिम गोल भगवत का, भगवत सेवा प्राप्ति करें। आज जो लोग तत्वज्ञान के अभाव के द्वारा प्रेरित होकर, जो लोग हमारा तत्वज्ञान के अभाव के द्वारा प्रेरित होकर संशयात्मा हो जाते हैं, जन्मों कर्मों हमारा ये प्रपंच जगत में प्रकाश करना ये कैसे संभव है? अनंत वस्तु बृहद वस्तु ये निराकार परब्रह्म ये कैसे संभव है? मायावादी लोगों को विश्वास में नहीं आता। यहाँ तक कि जड़ जगत का कवि भगवान का कैसा खेल देखो, जड़ जगत का कवि, अभी भी भजन किए नहीं, बस भक्तिविनोद ठाकुर का हरिकथा सुने, थोड़ा बहुत सत्संग किए, रसिक मोहन विद्याभूषण जी का संग किए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के संग किए, बस इतना ही काफ़ी। बाकी तो पिताजी मायावादी है, मायावादी मतलब ब्रह्म उपासक है, मायावादी नहीं ब्रह्म उपासक है, वो भगवान का नित्य स्वरूप को पूजा नहीं करते। फिर भी देखो क्या मज़ा है, वो समझ गया, ये भजन नहीं किया फिर भी ये सत्संग के द्वारा इसके समझ में आ गया। सीमार मजे असीम तुम्हें, कैसे बोल दिया बोलो, ये अगर प्रैक्टिकली अनुभव नहीं हो पाए ये लिखना संभव नहीं। ठाकुर जी का कृपा कैसे कैसे ये भी हो जाता है, पूर्व जन्म का इसका क्या संस्कार था कौन जाने। यही तो बात है ना, कभी कभी आश्चर्य ज्ञान प्रकटित हो जाता है, ये साइंटिस्ट लोगों से ये आश्चर्य, अचानक ये भजन नहीं किए कुछ नहीं किए, लेकिन इसका पूर्व जन्मों का इतिहास अगर हमारे सामने आ जाए तो कुछ जरूर कुछ ना कुछ कारण जरूर है, नहीं तो ये हमारा जो भारतीय हमारा जो शास्त्र है, शास्त्रों का जो विचार है, गुप्त विचार कभी कभी इन लोगों में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे शक्ति तत्व के बारे में E=mc², आइंस्टाइन बोल दिया, ये हमारा भारतीय तत्व, ये वो उसको कैसे जानकारी हुआ है। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये तो हमारा तत्व है, हर वस्तुओं में शक्ति तत्व है, इसको कैसे पता चला कि E=mc²। अतः मैस और एनर्जी, ये जो मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया, ये तो हमारा तत्व है, शक्ति तत्व। ऐसे ये कवि जो है नोबेल प्राइज ऑनर रविंद्रनाथ ठाकुर लिख दिया ऐसे, सीमार मजे असीम तुम्हें। लेकिन देखो मायावादी लोगों को विचार नहीं आता, ये भजन नहीं किया इसको समझ में आ गया सीमार मजे असीम तुम्हें, तुम असीम हो फिर भी सीमा का अंदर आ जाते हो, यही तुम्हारा अचिंत्य शक्ति है, ये समझ गया। और मुस्लिम को भी वो भी लिख दिए, बहुत सुंदर, बहुत सारे रविंद्रनाथ तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत लिखे, एक नहीं बहुत। काजी नजरुल इस्लाम जो है मुस्लिम को भी है, ए विश्व लोए विराट शिशु आन मोने खेली छो, ये हमारा रासलीला का चर्चा चल रहा है। जैसे एक बच्चा अपना शीशे के सामने खड़ा होकर खेल कूद करता है, अपना ही तस्वीर है उसमें, आसमान अपना ही इमेज है, उसका साथ चल रहा है। भगवान अपने आप ही खेल रहा है, अनंत ब्रह्मांड लेकर एक ही तत्व है अद्वैत ज्ञान तत्व, तो फिर भी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही है अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मूल। लेकिन मायावादी कृष्ण चरण में है अपराधी, मायावादी लोग कृष्ण चरण में अपराधी है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। और ये जिन लोगों का तत्वज्ञान के अभाव के द्वारा पूर्व संस्कार खराब हो गया होगा, किसी को पता नहीं, तत्वज्ञान का अभाव के द्वारा मेरा जन्म कर्म और प्रपंच में कैसे आ सकता हम, ये लेके बहस शुरू कर देता, तर्क वितर्क चलते रहता है। ये तत्वज्ञान के अभाव के द्वारा वे लोग जन्म कर्म प्रपंच में मेरा प्रकाशित ये जो शरीर है प्रपंच में, ये बोला अनित्य शरीर है, ये मेरा ये बोलता है अनित्य शरीर, भगवान कृष्ण मर गया उसको जलाया गया, ये सब बताते रहते हैं। और भगवान भी खूब चालू है, ये लोगों को बोका बनाने के लिए ऐसा करता ही है, जरूर तीर लग गया चरणों में और भगवान मर गया, ये सब भगवान करते रहते हैं इच्छा करके, क्योंकि वो लोगों को उल्लू बनाने के लिए। इसलिए वो लोग बोलते हैं भगवान का शरीर अनित्य है, प्रापंचिक है, ऐसा करके सिद्धांत करता है। और इसी में वो लोग फंस जाते हैं। और जब तक मोतिर न जावद मई वासुदेवे, ये जो श्लोक बताया था ऋषभदेव जी ने अपना 100 लड़काओं को, मोतीर्ण किसने पर ए ना ए मोतीर्ण किसने पर तो सतो, ये तो प्रहलाद महाराज का मोतीर्ण भूल गया श्लोक का, मई वासुदेवे नौ मोचोद देहो जोगे न तावत मोतीर्ण जावत, हाँ याद हो गया, मोतीर्ण जावद मई वासुदेवे नमोचेद देहो जोगे न तावत मोतीर्ण जावद मई वासुदेवे। ऋषभदेव जी कह रहे हैं मोतीर्ण जावद मई वासुदेवे, जब तक मैं जो वासुदेव तत्व हूँ सर्वस्थान में व्याप्त हूँ और हर जीवों का अंदर मैं हूँ, जीवों का शरीर का अंदर, मोतीर्ण जावद मई वासुदेवे न मोचेद देहो योगे न तावत, न मोचेद देहो योगे न तावत मतलब ये जो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करने का जो चक्कर है ये भी कभी छूटेगा नहीं। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को चलते हैं, दूसरा जनी, ये कभी खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होने वाला। जब तक मैं जो वासुदेव तत्व हूँ ये मई वासुदेवे, जब तक इन लोगों का लगन ना लग जाए, मन ना लग जाए, फिक्स हो जाए, तब तक ये लोग जन्म और मरण का माला पे चलते रहेगा, इसका कोई कमी नहीं है, चलो चलते रहेगा। यही बंधन का कारण है। और भगवान कहते हैं देखो कम से कम मेरा जन्म कर्म ये जो दिव्य है इसका अनुभूति आ जाए। और इसीलिए असली बात तो ये है कि इसीलिए मैं इच्छा करके, लीलामय भगवान कहते हैं कि इसीलिए ताकि आम आदमी को पता चले हमारा जन्म कर्म दिव्य है, हमारा जो खेल कूद है, मजा करता है, लीला करता है, ये लीला का बारे में थोड़ा चर्चा करे तो बस हो गया। इसी सुविधाओं को देने के लिए, इसी सुविधा देने के लिए इच्छा करके मैं ये प्रपंच में अवतीर्ण होके भक्तों लोगों के साथ क्रिया लीला करते रहता हूँ और इसमें इसका बहुत तरक्की होता है। इसीलिए मैं ऐसा करके कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, ऐसा ऐसा करके मैं नृसिंह बन के अवतीर्ण होते रहता हूँ भक्त लोगों का आनंद वर्धन के लिए। और ये लोगों का मेरा जन्म कर्म में लीला में अगर लगन लग जाए तो बस हो गया, बेड़ा पार। और एक बात तो ये है कि साधु की कृपा छोड़ के ये विमल ज्ञान दिव्य ज्ञान का उनमें संभव नहीं। साधुओं का मुखारविंद से अपराकित भगवान का जन्म कर्म लीला को शोभन करे और उसमें अगर कोई अपराध नहीं हुआ हो तो कहना ही क्या, पहले का अपराध है या मायावाद या कुछ भी है उसका बात छोड़ो, बाकी अपराध नहीं है, कुछ नहीं है, तो आम आदमी जितना भी पाप करे, पाप तो करते ही रहते हैं, लेकिन साधु का मुखारविंदों से अगर भगवान का दिव्य जन्म कर्मों के बारे में सुन लिया, लीला का बारे में, तो बस इसी सुविधा को देने के लिए भगवान अक्सर जन्म कर्म आदि ये लीला करते रहते हैं। अपराकित जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्ततः, तो तत्ततः मीन तात्विक रूप से जानना, ऐसा नहीं कि जैसे कोई नाटक देखा, कुछ देखा याद करना, ऐसा नहीं। भगवान बोल रहे जो तत्व तो अनुभव करना, तात्विक रूप से अनुभव ना करे, तो ऐसे सुना है, जानता हूं कृष्ण जन्म लेता है, ऐसा नहीं, ऐसा करने से होगा नहीं। इसीलिए खुलासा कर दिया कि भगवान जन्म कर्मो चौमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व तात्विक रूप से जिसका अनुभव हो जाए, और तात्विक रूप से अनुभव होना ये संभव ही नहीं, बिल्कुल गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा संभव है, बाकी तो अपने आप संभव नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पूर्व जन्म में गुरुचरण का आश्रय हुआ था और सिद्धि का ओर चल रहा था, भक्ति सिद्धि, बीच में कोई अपराध हो गया, बस सिंड्रॉफ, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ा। फिर जन्म लेने के बाद ही बच्चा जो है थोड़ा बढ़ते बढ़ते उसका ऑटोमेटिक विश्वास दिखाया जाता भगवान। इसका कारण क्या है? कभी कभी, रेयर। इसका मतलब है ये पूर्व जन्म में उसका सदगुरु चरण का आश्रय हुआ था, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन बीच में कोई अपराध के कारण गिर गया, सिंड्रॉप हो गया, मृत्युर अत्यांतिक विस्मृति। किंतु भगवत सेवा का जो शिक्षा है, ये बात ध्यान देना चाहिए। काल हम बताया था, फिर चिंता करते रह गए कि अगर ये लोग उल्टा बूझे समझे तो मृत्युर अत्यांतिक विस्मृति, ये तो साधारण जो जीव है सबके लिए, लेकिन जो भजन करते करते मरे वो उसका तो स्मृति नहीं रहे, फिर भी इसका तो पूर्व जन्म का स्थिति होने का कोई चांस नहीं, कभी कभी होता है किसी का। और फिर भी पूर्व संस्कार के अनुसार इसका भगवत भजन में लगन लग जाता है, पूर्व संस्कार, क्योंकि भगवत तत्व विज्ञान का शिक्षा जो है जहाँ तक भी सीखे, जहाँ तक भी तैयारी किए, वहाँ से भगवान गीता में ही बताएंगे बाद में चल के, ये खत्म नहीं होगी। ये जो भगवत तत्व विज्ञान का शिक्षा जो है, चाहे सक्सेसफुल हो नहीं पाए, फिर भी जहाँ तक हुआ वहाँ तक तो एकदम पक्का है। वहाँ तक ये आत्मा का साथ, जेतु ये भगवत तत्व विज्ञान, भगवत धर्म, ये ये जो आत्मविद्या है, इसलिए आत्मा का साथ रह जाते हैं, इसका विनाश नहीं है। जहाँ तक सीखा, जहाँ तक तैयारी किया भजन में, अगर अपराध नहीं किया और भजन का नाम में अगर नाटक किया तो उसका बारे में कोई जुमा नहीं है। अगर किसी भी हालत से भजन करते करते गिर गया तो वहाँ से फिर उसको सुजोग मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं। तो बिना साधु संग, बिना साधु कृपा दिव्य ज्ञान का उन्मेष असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव नहीं। ऐसा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने टीका में बताए, वस्तुतः कृष्णों का, भगवान का सारे सकल कार्य जो है सारे अपराकित है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भी आता है, न विद्यते यस्सो च जन्म कर्मो वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकापायो संभवायो या समायया तानी अनुकाल मृच्छति। जिसका वास्तविक पक्ष में कोई जन्म नहीं है, जन्म नहीं है, फिर भी जन्म लेता है, लीला करता है। न विद्यते जस्व जन्मो कर्म वा न नाम रूप गुण दोष एवा, जिसका कोई नाम रूप गुण दोष कुछ नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, जिसका कर्म नहीं, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है साधारण जीवों का माफी, किसका जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, नाम नहीं है। साधारण आदमी का, जीवों का माफी, किसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि साबित करके रख दिया कि मायावादी, कुछ नहीं है भगवान, ऐसा नहीं। नाम रूप कुछ नहीं है, दोष गुण नहीं है, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? ही इज टोटली ट्रांसेंडेंटल, ही इज टोटली ट्रांसेंडेंटल, अपराकित। अपराकित वस्तु कभू प्राकृत गोचर न है। अप्राकृत वस्तु प्राकृत गोचर नहीं है, प्राकृत गोचर नहीं है। और दुनियादारी के किसी भी चीज़ त्रिगुणात्मिका प्रकृति का किसी चीज़ों का साथ भगवान का कोई टाच नहीं है, टाच तक नहीं, कोई स्पर्श नहीं है। फिर भी अगर ऐसा बात सुने जन्म कर्म नौ ये जो बताया, इसका मतलब है प्राकृत रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट दोष कुछ नहीं है। प्राकृत जन्म कर्म नहीं, लेकिन अप्राकृत निषेध नहीं। अप्राकृत भगवान का रूप गुण लीला सब है, फिर भी भगवान लोको पाय संभव आयो, ये लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, ये लोगों को भक्ति दिलाने के लिए, उस लोगों को समझाने के लिए, इस लोगों को कृपा करने के लिए जो भगवान अवतीर्ण होते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य चीज है। जो अनुग्रहार्थम जीवों को सही बात भी ये माने किया, जो अनुग्रहार्थम भजताम पाद मूलम अनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपानि च जन्म कर्म भीर भेजे सौ मह्यम परम प्रसिद्ध तु। ये भगवान मेरा ऊपर प्रसन्न हो जाए। जो भगवान का कोई प्राकृत कोई नाम गुण रूप लीला कुछ नहीं है, अनुग्रहार्थम केवल कृपा करने के लिए, कृपा करने के लिए। जैसे जीव बद्ध जीव ये सब देख के गुरु वैष्णव का सहायता लेके भजन में लग जाए, इसलिए किया और कुछ नहीं। काल भी ये चर्चा हुआ था हय शीर्ष पंचरात्र से श्री चैतन्य चंद्रोदय का उद्धित, श्री चैतन्य चंद्रोदय में लिखा हुआ है, उद्धित है हय शीर्ष पंचवतम जा सुतिर जलपति निर्विशेषण साविधत्ते सविशेषमेव विचार जोगे सती हंत तासम प्रायो बलियः सविशेषमेव। जहाँ जहाँ श्रुति में निर्विशेष बात का व्यंजना है, इंडिकेशन है, विचार करने से ये सविशेषी स्थापित हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कुछ नहीं, निर्विशेष, ऐसा नहीं, लेकिन प्राकृत रूप गुण नहीं है, गुण नहीं, ये विचारी साबित होता है, प्रमाणित होता है। मायावादी लोग तो इसी में लग जाता है, कोई लोकल ये जो कुछ शब्द मिला अहम ब्रह्मास्मि है, जीव ब्रह्मैव न परः इत्यादि लोकल थोड़ा थोड़ा एक एक करके शब्दों को उठा लेके इसको मुख्य बनाया। ये बोले यही प्रधान है, लेकिन ये जो शब्द है प्रयोग किया, आगे पीछे देखना है क्या माने हैं। ये श्लोक लिखा, उसका आगे क्या है, पीछे क्या है, ये सब देखना जरूरी है। लेकिन एक एक शब्दों को उठाकर शंकराचार्य जी ने इच्छा करके स्थापित किए जो मायावाद है। यहाँ ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है पूरा अपने, जबकि ये शब्द है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो लोकल शब्द है। ये शब्दों को इसी स्थिति में किसी कारण व्यवहार किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जीव ही ब्रह्म है। ऐसा करके बहुत सारे विचार तर्क उठाया शंकराचार्य जी ने, ये भी भगवान का आदेश। तो ऐसा करके प्रमाण करने का कोशिश की, और अप्राकृत भगवान का जन्म कर्म आदि लीला के बारे में जिसको जानकारी है गुरु वैष्णव की कृपा के द्वारा, यूं समझ लो कि हो गया उसका पूरा विश्वास, जिसका है आधा विश्वास नहीं पूरा तात्विक विश्वास, तात्विक मतलब एक होता है स्वाभाविक विश्वास है। लोग कहते रहते हैं हो, लोग कहते रहते हैं कि कृष्ण का जन्म है, राम का, तो हो सकता ऐसा ऐसा विश्वास नहीं है। जो तात्विक विश्वास अनुभव के साथ जो विश्वास है, ऐसा होने से तभी इसका बेरा पार हो जाए, इसका कोई बात नहीं है। जन्म कर्म चौमे दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो इसीलिए बोला गया। अगला श्लोक में इधर वितरागो भय क्रोधा मनमयाम माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। वितराग भय क्रोधा, बीत 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 माने पास्ट चला गया, नहीं है, बीत गया। वितराग भय क्रोधा, राग भय क्रोध शून्य, मनमया मदेक चित्र माम उपाश्रिता हमारा शरणागत, पूर्ण शरणागत उपाश्रिता और इसके बाद ज्ञान तपस्या, ज्ञान और तपस्या के द्वारा पूता, पूता माने पूतहा माने पवित्र हो गया, होके पहवो बहु, ऐसा एक नहीं बहुत उदाहरण है, वे लोग मदभावम आगतहा अर्थात प्राप्त हुआ है। वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगता। राग भय क्रोध सुनो और एकाग्र चित्त में अनन्य रूप में शरणागत होके ज्ञान और तपस्या के द्वारा पवित्र होके बहु व्यक्ति बहुवो जनः हमारा भाव को प्राप्त किया है। कहने का मतलब क्या है? यह हमारा जन्म कर्मों और शरीर का जो चिन्मयत्व, अप्राकृतत्व एवं विशुद्धत्व विचार संबंध में मूढ़ा अतः मूढ़ा मतलब मूर्खों जनों का जो प्रवृत्ति है, इसमें ये लोगों का विश्वास ही नहीं बैठता। मेरा ऊपर मेरा अपराकृत ये सब कोई होता ही नहीं, मेरे में विश्वास नहीं है। और जितना सारे जड़वादी है, मेटेरियलिज्म मेटेरियलिस्टिक आइडिया है उन लोगों का, जड़वादी स्वभाववादी और इतो रागों के द्वारा चालित होके ये लोग एक एक विचार बना रहा है समाज में। ब्रह्मवादी है, आर्य समाज है, ब्रह्मवादी है, ये है वो है, मायावादी है, तमाम दुनिया का विचार सामने रख दिया। लोगों का कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। किसी को समझ में नहीं आया जो कैसे मेरा जन्म कर्म आदि ये जो नित्य है क्या क्या है। और वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान तपसा मतलब ज्ञान और तपस्या, शुष्क तपस्या नहीं, शुष्क ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये जो मदभाव मागता हमारा भाव को प्राप्त किए हैं, ये बात में सारे रहस्य छुपा हुआ है। आपका अगर ठाकुर जी आपका रहस्य पता है, मदभाव मागता भाव को प्राप्त किए, प्राप्त भाव, तो ये कभी शुष्क ज्ञानी ड्राई फिलोसोफर जो है, जो जड़ ज्ञानी है, दिव्य ज्ञान नहीं है, जड़ ज्ञान और तपस्या में लगे रहते हैं, ये लोगों के लिए संभव नहीं। लेकिन जो लोग वास्तविक गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अपना जड़ जगत में पैदा होने वाला जो राग है, भय है, क्रोध है, तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, मतलब अप्राकृत भूमिका में जाने का तैयारी किया और गुरु वैष्णव के कृपा के द्वारा सर्वत्र हमको ही दर्शन करता है, हमको ही आश्रय लेके रहता है, आचारों और हमको ही दर्शन करता है। मत संबंध ज्ञान और मत संबंध ज्ञान माने मतलब पक्का मत संबंध ज्ञान है तो ये भक्ति है। मत संबंध ज्ञान मतलब क्या है? भगवान का साथ संबंध ही नहीं हुआ तो मत संबंध ज्ञान के क्या माने हैं? मत संबंध ज्ञान मतलब जरूर संबंध ज्ञान है। संबंध ज्ञान होने से ही अपना पोजीशन जो है, मैं सेवक हूँ, भगवान सेव्य है, ये जरूर पता चलेगा। सम्यक आश्रय लेना भी तब संभव है जो भगवान नित्य है, भगवान ही अंतिम लक्ष्य है। भगवान छोड़ के किसी वस्तु में आश्रय लेना बेकार है, कुछ नहीं है, तात्कालिक आश्रय, इसमें मेरा कोई फल नहीं मिलेगी, ऐसा विश्वास ना। हमको सम्यक आश्रय लेना, सम्यक आश्रय शरणागति, और शरणागति तब हो पाए जब भगवान में पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास होने का मतलब संबंध ज्ञान जरूर है। संबंध ज्ञान होने का मतलब मैंने अपना पोजीशन क्या है, हम जीव हैं, भगवान ईश्वर है, हमारा सेव्य सेवक संबंध तैयार है। हो सके मैं भूल गया, बद्ध जीव भगवान का साथ जो संबंध है ये भूल सकता है, लेकिन इसका माने ये नहीं कि भूलने का साथ साथ संबंध ज्ञान कभी उसका भी खत्म है। संबंध ज्ञान है लेकिन मेरे को पता नहीं। पिता से पुत्र बचपन में बिखर गया, कहाँ चला गया, लापता। पिता का साथ पुत्र का संबंध नहीं है, कहाँ चला गया पुत्र, लापता हो गया। बाद में बहुत दिन बाद जब ये पुत्र का साथ किसी होनहार का खेल है, कब पिता का साथ मुलाकात हुआ, परिचय हुआ, तो समझ पाए ये मेरा पिता है। संबंध ज्ञान का जागरूक भूमिका, तब तो संबंध ज्ञान जागरूक हो गया। संबंध ज्ञान नहीं है ये नहीं है, पुत्र हैरा गया ठीक है, लेकिन संबंध ज्ञान तो हैरा नहीं गया। संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान का जागरूक अवस्था नहीं है, संबंध ज्ञान तोड़ नहीं सकता हम लोग। भगवान का साथ मेरा नित्य संबंध भूल गया, लेकिन इसका माने ये नहीं कि भगवान का संबंध तोड़ दिया, तोड़ना के संभव ही नहीं। भगवान का साथ जीवों का संबंध ये नित्य है और इसको आविष्कार करना, रियलाइजेशन, अनुभव में लाना, यही तो भजन है और क्या, नित्य सेवा में लग जाना। तो ये जो है वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता। ज्ञान तपसा पूता, ये जो ज्ञान और तपसा जो है ये भी कोई ड्राई ज्ञान आदायी तपस्या नहीं है। धीगस्तु विकट तपस्या है, विकट तपस्या निषेध है। विकट तपस्या निषेध है। तो ये जो ज्ञान तपस्या है, तपस्या मतलब एकादशी आदि पालन करे, शास्त्र पाठ करे, व्रत पालन करे, ये चौमासा आदि, ये और ज्ञान माने भक्ति पोषक ज्ञान। सब महबो बहवो ज्ञान तपस्या पूता, और ये ज्ञान और ये तपस्या पूता माने प्रवृत्त करने वाले हैं। और मायावादी ज्ञान है तो कैसे है, उल्टा हो जाएगा। तो इसका माने मदभाव मागता, इसका माने ये है, इसमें इंडिकेशन है। ये जो बहवो ज्ञान तपस्या, इसका माने ये ज्ञान भक्ति पोषक ज्ञान है। ये जो तपस्या एकादशी आदि चौमासा आदि पालन करना, सही ढंग से शास्त्रों का पाठ करना, सुनना हरि कथा, ये तो तपस्या है। हरि भगवान का दिव्य जन्म कर्म लीला आदि शोभन करते रहो। अपना जो बेईमान इंद्रियोग्राम है इसको अगर काबू प्राप्त कर लो, उसके बाद इसको सही ढंग से भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे अंबरीश महाराज जी ने लगाया था ना, सवई मन कृष्ण पदारविंद योर वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, ये जो है तमाम इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगा दो। ये भक्ति का टेक्निक है, ये भक्ति का भजन का टेक्निक है। ये तमाम इंद्रियों, एक भी इंद्रियों को छोड़ो मत कि अपना मनमानी चल दिए इस रास्ते पे, नहीं। गुरु कृपा के द्वारा तमाम इंद्रियों को कंट्रोलिंग में लाओ, बस में लाओ, मन को काबू में लाओ। और ऐसा काबू में लाओ, जोर जबरदस्ती लाने का कुछ कहो तो फेलियर हो जाओगे। मन को जो व्यक्ति जोर जबरदस्ती कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, वो फाइनली ही बिकम फेलियर, टोटली फेलियर हो जाता है। क्योंकि मन को काबू में लाना बिल्कुल असंभव है। विजित ऋषि कवायु विरादांत मुनस्तुरगम जय जतांत यंतुमतिलोलोम्यु मुपायुखिदो व्यसन सतामृतो समभया समबहायो गुरोश्चरणम मुनिज इवाज संतकित कर्णोदरा जलोधौ। ये जो श्लोक है इसमें बताया गया ये बिल्कुल पागल है ये मन। विजित ऋषि कबायु भीर अदांत मनस्तुरगम, मन है पागला घोड़े का माफिक, एक लाख लगा देंगे छाती पे और खून निकल के मर जाओगे। इतना बदमाश है मन, दुष्ट मन, तुम्हें किशोर वैष्णव। प्रभुपाद जी ने लिखा, दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव, कहाँ से तुम वैष्णव बन गया? तिलक माला लगा के ही। विजित ऋषि को वायु भीरादांत मुनस्तरगम, ये मन को पागला होने के साथ तुलना किया गया। किसी भी हालत से ये बस में आने वाला नहीं। एक ही रास्ता है, हमने बताया था, एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव का अर्थात गुरु का सेवा करके अनायास ये मन बस में ला सकता है। एक ही रास्ता है। योग ज्ञान, अष्टांग योग, प्राणायाम आदि के द्वारा किसी भी हालत मन को बस में लाओगे, ये तो सच है, थोड़ी समय के लिए। बस उसका बाद फिर बेईमानी करेगा, गद्दार है ये मन है, ये इंद्रिय हैं, सारे गद्दार है, हमको भजन करने नहीं देंगे। ये लोग तैयार कर लिया, ये सब जुट गया हमको मारने के लिए। मारने के लिए माने हमको नरक में फेंकने के लिए। तो मदभाव महागता, इसके द्वारा ये सब अर्थ गुरु कृपा के द्वारा, प्रभुपाद की कृपा, भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा सामने आया। मदभाव मांगता मतलब ये भक्ति पोषक ज्ञान, तपस्या भी एकादशी आदि शुद्ध तपस्या है। प्रबोधानंद सरस्वती बात बहुत लिखे हैं, बहुत जगह जगह में बहुत सुंदर लिखे हैं। धीगस्त विकट तपस्या, ये विकट तपस्या को धिक्कार है। ब्रह्म अहम बदन परिफुल्लानो जड़ो मुतीनो, धिक्कार है। ये जो है इसमें ये बात ये आता है, भगवान कह रहे हैं कि आज नहीं, आजकल का बाद नहीं, हाल फिल का बाद नहीं, पहले भी बहु व्यक्ति बहु जीवात्मा हमारा जन्मादि नित्यता, ये जो ज्ञान प्राप्त किया तात्विक ज्ञान और गुरु वैष्णव का अनुगत्य में पालन करते रहे, भजन करते रहे और विशेष मुक्ति लाभ किया। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं, विशेष विशेष मुक्ति मतलब है सेवा प्राप्ति होना, विशेष मुक्ति का क्या है, ये हमारा गौड़ीय सिद्धांत में तो ना मुक्ति तो ओपन टर्म विशेष मुक्ति, इसका माने क्या बलदेव जी बोला है लिखे हैं विशेष मुक्ति। विशेष मुक्ति मतलब जब भक्ति है तभी विशेष मुक्ति, क्योंकि गौड़ीय दर्शन में आप जानते ही होंगे मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। गौड़ीय दर्शन में विचार है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। स्वरूप में व्यवस्थित हो जाने का मतलब है संबंध ज्ञान का परिपुष्टि, मतलब भगवान सेव्य है, मैं सेवक हूँ और सेवा में बहुत ट्रिमेंडस अट्रैक्शन बन पाया, अंदर में बहुत चाहत है भक्त ठाकुर, आकाश काश में भगवान का अगर सेवा मिलता, ऐसा करके गुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा अंतिम में ऐसा ही भाव हो जाता। तो ये तो इसका द्वारा तो पवित्र होना ही है। क्या हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु क्या तपस्या के द्वारा पवित्र हो जाएंगे? क्या समझते हो? ये लोग बहुत तपस्या की, न भूतम न भविष्यति, ऐसा तपस्या किए कि कोई सोच भी नहीं सकता, फिर भी पवित्र हो नहीं पाए। कैसे समझा पवित्र हो नहीं पाए? महाराज पवित्र हो नहीं पाए इसलिए समझा कि वो भगवान आने के बाद, ब्रह्मा आने के बाद पूछ रहे हमको ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो हैं, तो आपका सृष्टि में कोई मेरे को मार ना सके। एक ही पवित्रता का लक्षण है क्या? एक ही पवित्र होने का लक्षण है। पवित्र किसको बोला जाता है? जिसका अंदर में कोई चाहत ही नहीं बाचा। जैसे प्रहलाद महाराज पवित्र है। नृसिंह भगवान का सा, नृसिंह भगवान कह रहे कुछ मांग लो, हम आया है बरदर सवा बरदर ऋषभ, बरदानों बरदाताओं में मैं मुख्य हूँ, हैं मैं आ गया कुछ मांग लो। अपोल्ला महाराज कुछ नहीं चाहिए। क्या हम व्यापारी है क्या, बिजनेसमैन है कि आपका साथ नहीं, हमारा साथ आपका रिश्ता तो ऐसे ही प्रेम का रिश्ता है, ऐसा कोई स्वार्थ का संबंध थोड़ी है। स्वार्थ का संबंध है तब तो मांगना, नहीं 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 मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ ना, तो ठाकुर जी हमको लेना कुछ नहीं, फिर भी कुछ ले लो, मैं आया तो लो। बार बार ठाकुर जी बोलते रहे, तो सम्मान देने के लिए प्रहलाद महाराज जी का ठीक है चलो, आप बार बार कह रहे हो को मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, ठीक है मांग लिया चलो। कामानाम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनेवरम, हमारा हृदय में कामना वासना को कोई अंकुरदगम स्प्राउट अंकुरोद्गम भी ना होए, मिट जाए। अगर आप वर देना चाहते हो कि ऐसा वर दे दो ठाकुर जी कि मेरा हृदय में कोई कामना वासना का कोई गंदगी पैदा ना हो पाए, समझा मेरा बात? तो कितना सुंदर माने है देखो। तो पूता एक एक शब्दों का माने होनी चाहिए। अंतरात्मा में भगवान आके माने बता देगा हैं, अट्टिकाकार तो है ही है सब, प्रभुपाद है, भक्तिविनोद ठाकुर, सारे दिल में बैठाकर गाइड करेंगे ये माने हैं, ये माने हैं। नहीं तो तमाम दुनिया का ग्रंथ पाठ करके भी कोई फायदा नहीं है। अनुभव में नहीं उतरा तो क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ है? अनुभव में क्या होता है? ये सबसे बड़ा चीज है ना। तमाम दुनिया का शास्त्र पाठ कर लिया लेकिन गुरु वैष्णव में प्यार नहीं है, तत्व में विश्वास नहीं है, बस चल रहा है ऐसे ही। तो ये माने आया कि सुंदर वितरागो भयो क्रोधा मनमया मम उपाश्रिता, हमारा चरण में हमारा मन हमारा चरण में दिल लग जाए और माम उपास्यता हमारा शरणागत हो जाए पूरा। और बहवो ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान तपस्या का द्वारा पवित्र होके मदभाव मांगता हमारा है, हमारा भाव को प्राप्त, भगवान का भाव को प्राप्त करना के साधारण विषय है, ये कोई आसानी है। हमारा भाव कर प्राप्त कर लिया, ऐसा करके थोड़ा बहुत ऐसा है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने और विशेष करके लिखा, जो हमने व्याख्या भी किया थोड़ा बहुत, और भक्तिविनोद ठाकुर जी का भी यही कहना है, ये राग भय क्रोध परित्याग करके हमारा चरण में दिल लग जाए, सर्वत्र मेरा मेरे को दर्शन हो जाए। सम्यक आश्रय करने के बाद मत संबंध ज्ञान अतः संबंध ज्ञान का परिपुष्टि हो जाए, और तद अभ्यास रूप तपोद्वारा, और इसका अभ्यास करते चलो, हरि कथा सुन के चलो, सेवा करते चलो, ऐसा करके पवित्र होके मदभाव मांगता। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने व्याख्या किया पवित्र प्रेम, भक्तिविनोद ठाकुर का अनोखा व्याख्या बाकी टीकाकारों ने किया है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने और मदभाव मांगता इसका तद अभ्यास रूप हरिकथा कीर्तन सुनते चलो, अभ्यास करते चलो, अर्थात वेदांतों का जो सूत्र है ना, आनंदमय अभ्यासात, वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, इसका कभी व्याख्या हो देखोगे एक ही है, आनंदमय अभ्यासात। भगवान जो आनंदमय, ये भगवान का अभ्यास करते चलो, मतलब भगवान का कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान का व्रत मनाओ, जन्म कर्म यही माने। तो इसका ही सुंदर व्याख्या हो पाए कि वेदांतों का कोई आदमी बोलता है वेदांतों में कोई रस नहीं है। महाराज वेदांतों में रस भरा हुआ है, आप रसिक हो तो समझ पाओगे, अगर जड़ विषय में रमते रह जाओगे तो हो गया, तो आप तो आनंद तो है ही है आपका अंदर में, क्योंकि जड़ आनंद है, तो आप वेदांतों को निरस मानते रह जाओगे। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, ये हमारा भजन राज्यों का जितना सारी घटनाएं हैं, एक एक करके प्रमाण, वकील का माफी पूरा प्रमाण दे देंगे। जिन व्यक्ति का जड़ वस्तु में लगन आ गया, लड़कियों में और लड़कियों का लड़का में, किसी भी मैंने जसित संग हो गया, जिसका ये ध्यान देना इस बात को, जिसका जिंदगी में लड़की संग हो गया, स्त्री संग हो गया, स्त्रियों का पुरुष संग हो गया, बिल्कुल वो गुरु वैष्णव को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रभुपाद का समय इतना सम्मान प्राप्त हुआ है, प्रभुपाद जी ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद किया कि मत पूछो। इतना होने का बावजूद किसी अपराध के कारण जब स्त्री संग हो गया, तब प्रभुपाद को पॉइजन मानने लगे, पॉइजन, आओ हमारा साथ कितना दिखा देंगे, 100 उदाहरण देखे थे। गुरु वैष्णव को पॉइजन मानते हैं, पॉइजन, भागाओ यहां से, नहीं चाहिए, भाग, बदमाश है गुरु वैष्णव, दिखा देंगे, आ जाओ। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन दिखा देंगे एक एक करके प्रमाण। तो जिसका दिल में असत्संग हो गया, विशेष करके स्त्री नाम स्त्री संगी नाम त्यक्ता दूरतात्मवाह बानह खेमे विविक्ता आसनह इत्यादि श्लोक है, बहुत सुंदर। और इसके बाद हो जाता है ऐसा हालत, बिल्कुल बेचैनी, गुरु वैष्णव का विश्वास बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल, यहाँ तक कि गुरु वैष्णव को शत्रु माने, हमारा दुश्मन है, क्योंकि उसका जो मनमानी भाव है, उसका जो मन है, उसका डायरेक्टर है, ये मन का भाव का अनुसार चलने में गुरु वैष्णव रुकावट है, तो शत्रु तो जरूर है, शत्रु बन जाता। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इतना सुंदर व्याख्या किए जे इसी प्रकार भजन के द्वारा राग भय क्रोध काम सब परित्यक्त पूर्वक हमारा चरण में लगन लग जाए, और सर्वत्र हमको हम ही दिखे, सर्वत्र हम ही दिखे ये लोग ले, और समक शरणागत होके मत संबंध ज्ञान का मैच्योरिटी, उसका जो परिपक्व अवस्था और तद अभ्यास, ये वेदांतों का यही मान, वेदांतों का माने भी यही निकालता है ये श्लोक का कि आनंदमय अभ्यासात, ये आनंदमय अभ्यासात अर्थात आनंदमय भगवान का कथा कीर्तन सुनते चलो, बोलते चलो, कीर्तन करते चलो, प्रसाद पाते चलो, देखते चलो ठाकुर जी का आरती, ऐसा करें आनंदमय अभ्यास। ये जो आनंदमय वस्तु है, अनंत ब्रह्मांड में जो अनोखा एक आनंदमय वस्तु है भगवान, इसका ही प्रैक्टिस अनुक्षण अभ्यास करते चलो। ये अभ्यास करके क्या हो, भले ये अभ्यास के द्वारा अनमोल चीज प्रेम को प्राप्त करोगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी यही माने किया, ये तद अभ्यास आनंदमय अभ्यास रूप तपस्या के द्वारा पवित्र होके मदभाव मांगता, मतलब हमारा पवित्र प्रेम अर्थात मुझ में प्रेम प्राप्ति कर लेता, मेरा साथ उसका प्रेम का रिश्ता, पवित्र प्रेम बहवो जनः, बहुत आदमी आज नहीं, बहवो बने अनेक, बहुत आदमी ऐसे करके अपना सक्सेस हो पाया, चरम लक्ष्य वस्तु जो है उस तक पहुंच पाया। समझ गए थोड़ा बहुत। ऐसे तो व्याख्या करने बहुत समय लगता है कि फिर भी समय अल्प है, जिंदगी भी छोटा। और वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, इतना तक थोड़ा बहुत समझ पाए। रामानुजाचार्य जी ने ये तपस्या आदि का जो भाव है, रामानुजाचार्य जी ने अपना गीता में व्याख्या किए। भगवान का जो जन्म कर्म विषयक तत्वानुभव, तत्व को अनुभव करने का जो व्यवस्था है, अर्थात कथा कीर्तन उपवास आदि का, इसको ही तपस्या माना है। यही माने हमने भी किया भगवान का कृपा से। विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव, भक्तिविनोद ठाकुर सारे, और ऐसा करके अगला जो श्लोक है इसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। समझा? जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम् ममो वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः परतु सर्वशः। समझा? भक्ति नामक जो चीज़ है और जो तत्व वस्तु है, इसको दर्शन करना ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो जैसे मेरे को भजन करे, ऐसे तो जो व्यक्ति भजन का बात समझता ही नहीं, जड़ जगत का है, कभी सुना ही नहीं कुछ। बृंदावनदास ठाकुर जी ने कहा जो माने जो ना भी माने, जो लोग माने और जो लोग ना माने, सभी तो भगवान का ही दास है तो सच्चा। आया कहाँ से? विष्णु से उद्गम हुआ है, विष्णु से आया है, तो वैष्णव है ही है। तमाम जगत विष्णु से आया, तो विष्णु से आया कुंती से आया कौंतियो, विष्णु से आया वैष्णवो, विष्णु से है। बृंदावनदास ठाकुर महाराज जी लिख दिया कि कोई माने कोई ना माने, सब कृष्णेर भित्तो, सब तार भित्तो। बृंदावनदास ठाकुर जी ने लिख दिया कोई माने कोई ना माने, सब तार भित्तो, सब उन्हीं का ही भित्त है। माने तो अच्छा है, ना माने फिर भी क्या है, फिर भी वो सेवा तो कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? माया का सेवा। अब माया का सेवा भी तो भगवान का ही सेवा है, घुमा फिरा के क्या, माया कहाँ से आया, भगवान का ही तो है। इस जगत का सेवा कर दिया थोड़ा, हैं, इस जगत का सेवा कर दिया। किसी ने देश का लिए प्राण दे दिया, किसी ने किसी लड़की का लिए प्राण दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, पैसा कमाया, किसी को खिलाया, सब तो माया का सेवा में ही है। तो माया कहाँ से आया, भगवान का ही तो है। तो घुमा फिरा के तो मानो और नहीं मानो हो रहा है भगवान का ही सेवा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे भगवान आगे चल के कहेंगे ना, ये देवता लोगों का पूजा करो, ये भी हमारा ही पूजा है, तुम्हारा बात, लेकिन ये अविधि पूर्वकम। भगवान ने कहे ये देवता लोगों का पूजा में लग जाते हैं क्योंकि जल्दी सिद्धि प्राप्त करना है इन लोगों का, बड़ा जल्दी पड़ा है, इसीलिए देवता लोगों का पूजा करते। लेकिन ये देवता लोगों का पूजा भी मेरा ही पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वकम, इट्स नॉट ऑथेंटिक, विधि पूर्वक नहीं है, इट्स नॉट द रूल, नियम नहीं है, अन्याय है, उल्टा है, फिर भी हो क्या, मेरा ही तो कर रहा है, क्या मेरा ही तो सेवा कर रहे हैं और क्या। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। जो माया देवी का सेवा करे तो माया का, जो निर्विशेष ब्रह्म का सेवा करे उसका भी वही मिला है, जो मांगे वही तो मिलेगा, जैसा जैसा करे सब। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा मुझ में जैसा प्रपत्ति दिखाता है, हम भी ऐसे ही उसको मानो कि एक दर्पण में अपना मुख दर्शन करने का बराबर, अपना मुख को खींचा के देख रहे तो ऐसे ही दिखेगा, हंसते हुए देखे तो हंसता हुआ देखेगा। ठाकुर जी है ना अंदर में, और भागवत में श्लोक भी है सप्तम स्कंदर में, सुंदर श्लोक है, जय जो जैसे आपका सेवा करता है, जैसे अपना प्रतिमुख को देखते हैं, अपना प्रतिमुख को जैसे देखते हैं दर्पण में, ऐसा ही है। काल हो सके तो चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, तमाम जो विचार बनना है इसमें उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही होनी चाहिए, कर्म मार्ग अर्थात कर्मार्पण, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सब में अंतिम में अगर लक्ष्य वस्तु मैं नहीं हूँ, अतः हमको ही प्राप्त करना ही ये लोग का मुख्य उद्देश्य है। अगर ये नहीं है तो बेकार है। लेकिन जो भी है, जो जैसे भजन करते रहते हैं, शून्यवादी, शून्यवादी, वो कुछ नहीं है, कुछ रखा ही नहीं है, शून्यवादी, बुद्धिस्ट लोग और शून्यवादी, जड़ो कर्मो, जड़ो विधिवादी और जय चार्वाक आदि, और जैसे भजन थोड़ी है। लेकिन इसको बोला गया जो जैसे, जो हमको ही करे, जे यथा मांग प्रपद्यन्ते, उसका ऐसा ही बुद्धि खराब तो ऐसा ही मिलेगा, जैसा जैसा करे वैसा ही भाव मिले। जो लोग कर्मी हैं वो लोग के लिए कर्म फल दादा मैं यज्ञेश्वर रूप में प्राप्त होता है, योगों का फल दे देता हूँ। जो योगी है हमारा निकट हैं, वो लोगों का निकट हम ईश्वर रूप के विभूति बन के आता, विभूति देता हूँ, अथवा कैवल्य दान कर देता हूँ। ऐसा करके जो जैसे मेरा पास पहुँचता है, प्रपन्न होता है, उसको ऐसे ही मिलता है। जो श्लोक देके शुरुआत किया है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये व्यासदेव का साक्षात अनुभव। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीत अमले, जब नारद जी कह के चले गए तो भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीत अमले, इतना भक्ति योग के द्वारा इतना पवित्र व्यासदेव जी महाराज अपश्यत पुरुषम पूर्णम, देखा मायांच तब तदपाश्रयम, देखो भगवान को दर्शन किए, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को दर्शन किए और पीछे जड़ माया ये एकदम सर झुका के बैठी है। मायांचो तदपाश्रयम, जिन माया के प्रभाव के द्वारा जया सन्मोहित जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम, जब भी ये आत्मा आत्मवस्तु चिन्मय वस्तु है, जया सन्मोहित जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम, और त्रिगुण का प्रभाव के द्वारा पुरुष और प्रकृति का आपस में ऐसा हिलमिल हो जाता है कि सन्मोहित प्राप्त हो जाता। पुरुष का गुण प्रकृति में, चाहे लगता है कि प्रकृति का जीवन है, वो जड़ वस्तु नहीं है, और प्रकृति और पुरुष का अंदर में इतना प्रभाव फैलती है, फैलाती है, बस हो गया। जया सन्महित जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम, होते हुए कि चिन्मय आत्मा फिर त्रिगुणात्मक ये प्रकृति के द्वारा वशीभूत होकर सन्मोह दशा को प्राप्त कर लेते हैं। परोओपी, जब भी आत्मा परे वस्तु है, एब्सोल्यूट वस्तु है, चिद वस्तु चिन्मय, किसी भी हालत से प्रकृति का साथ इन जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। परोओपी मनोते, परे वस्तु है, प्रकृति का परे वस्तु है, परोओपी मनुते अनर्थम, यही तो काल है, यही तो सर्वनाश का घंटा। परोपी, जब भी परे वस्तु है फिर वे मनुते मन सोचता है, मनुते अनर्थम, अनर्थ आ जाता है इसका अंदर। तत्कितन चाभि पद्धति, और अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधक्षजे, ये जो भक्ति योगे न मनस्य सम्यक प्रणीत, हमारे बड़ा आश्चर्य की बात है। यही तत्व नाम समाधि अंतिम में व्यास को मिला, भागवत में भक्ति योग प्रकाश करने के लिए पूरा व्यवस्था किया, भागवत लिखे हैं। ऐसा करके देखा, जी यथा मम प्रपद्यन्ते तां सतीव भजाम्यहम, और ममो आत्मानुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वसहा, ये मनुष्यगण जितना तर तमाम मानुष है, मानव जाति है, सर्व प्रकार से हर हालत में मेरा ही पथ का अनुवर्तन, सर्व प्रकार में हमारा पथ का अनुवर्तन करते रहते हैं, चाहे अभी नहीं लेकिन अंतिम में यही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसा करके देखा, जो जैसा स्थिति पे है ऐसा स्थिति के अनुसार उसको कृपा मिलते रहते हैं। और ये जो प्रतिज्ञा है भगवान का, ये जो गीता में ये जो प्रतिज्ञा करके रख दिया, जय यथा मम प्रपद्यन्ते तां सतीं भजाम्यहम, ये प्रतिज्ञा भगवान का ब्रजधाम में, वृंदावन धाम में फेलियर हो गया। ये प्रतिज्ञा निभा नहीं पाए भगवान वृंदावन का अंदर, क्योंकि इसमें जय यथा मम प्रपद्यन्ते ये चलता नहीं, भगवान का ये जो बात ही चलता नहीं इधर, क्योंकि वो ब्रजवासियों का जो सेवा है इसमें भगवान का ये प्रतिज्ञा चलता नहीं। अनन्य साधन ब्रजवासी स्वाभाविकी प्रति कृष्ण प्रति कृष्णेरो स्वाभाविकी प्रति ब्रजवासी प्रति स्वाभाविकी natural or spontaneous attraction. This Brajavasi is natural attraction for Krishna, and Krishna also having natural attraction for Brajavasi. ये स्वाभाविक आकर्षण है। भगवान कहते हैं यदि कहीं अगर पूर्व पक्ष करके ये प्रश्न करता है, हे कृष्ण तुम्हारा जन्म कर्मो नित्य, तुम्हारा जन्म कर्मो नित्य ये तो तुमने बता दिया आपने, ये ठीक है समझा, किंतु शास्त्रों में जन्मादि रहित अंगुष्ठ मात्र स्वरूपे कथा है, तो जो जोगी लोग अंतरात्मा में अंगुष्ठ मन अंगुली के समान परमात्मा का दर्शन करते रहते हैं कि तुम्हारा ऐसे अगर सुने बहु तो तुम्हारा भजन का क्या बहु रास्ता है, क्या बहुविधोपासना है, तो तुमने बता दिया, आपने जो बता दिया जे यथा मांग। इसका उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि हमारा चरण में जो जैसे शरणापत शरण लाए हम उसको ऐसे ही भजन करते रहते। भजन मतलब दान करी। भगवान भक्तो भक्तिमान, भगवान का भी भक्ति है, भक्ति छोड़ के कोई स्थिति नहीं है। भक्तों लोगों का भक्ति है भगवान का पति, और भगवान भी भक्तो भक्तिमान। जीवो गोस्वामी पाद ने कहा, प्रमाण दिखाया कि भगवान भी भक्तो भक्तिमान, अर्थात भक्तों जैसे जैसे करता है भगवान भी वैसे ऐसे उसका प्रतिदान देने के, दान करने के लिए खड़ा हो जाता। सो वैदुर जो मनी का मापिक मेरा बहुरूप है, सो हमारा बहुरूप का विशिष्ट हमारा बहुविध उपासना अनादिकाल से चलते आए हैं। बहुविधो सारे उपासना ही भगवान का ही उपासना, बट नॉट विधि पूर्वकम। बहुरूप विशिष्ट हमारा बहुविध उपासना अनादिकाल से चलते आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यगण हमारा कोई भी रूप का उपासना करके हमारा पथ अनुसरण करता है। इसमें ये माने आता है, साधारण रूप से ये माने ये निकलता है, तो आप क्या कहना चाहता है? जो जैसे भजन करे उपासना करो सब एक ही फल लाभ करके आपका पास जाना है, यही माने बोलना चाहते हो? बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि मूल में बताया गया जे जथा तानो तथा, ये बताया गया। जहारा जो जैसे भजन करे उसको ऐसे, जमन जैसे बोला गया, जैसे कर्म टिट फॉर टैट, जैसा कर्म उसका फल ऐसा, ये है ना। तो इसके द्वारा तो ये माने नहीं होता जतमत ततवत, ये जो मायावादी विचार ये तो नहीं बैठता ना। ये बैठता क्या? जतमत ततवत। क्या हम जाना चाहता है कि मद्रास, हम बॉम्बे मेल में चढ़ जाए तो पहुंच जाए हैं? ये कैसा विचार है? एक एक व्यक्ति जो कर्म करे उसका सबका एक ही फल मिलेगा। कैसे कैसे मिलता? और मस्जिद में जाके भी बैठ गया, गुरुद्वारा में भी जाके बैठ गया, चर्च में जाके दिखाया वाह कितना बड़ा हूं मैं, हनुमान दिखाया। जतो मत ततो बात कहाँ दिखाओ? बोलना तो आसान है, देखाओ तो, फालतू बातें करते रहते हैं, जतो मत तो बत, कहाँ दिखाओ, प्रमाण करके दिखाओ, पागल कहीं का, ऐसा माने होता नहीं कभी। जो जैसा कर्म करता है वो जैसे करनी ऐसे भरनी है। तद द्वारा सकल कर्मों फल एक, सब कर्मों का फल एक, ये नहीं बोला। मतलब है जो जैसे अपना कर्म करता है कि अपना मेरे को इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भजन करते हो उसका वैसी फल मिले। और एक विशेष यहाँ वस्तु है, जे यथा मम प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम्यहम। सुतरांग इसके द्वारा कृष्णे शरण, सुतरांग इसके द्वारा श्री कृष्णेर शरणागत जन छोड़ के यह दूसरे के लिए प्रयोज्य होना संभव नहीं, क्योंकि ये जड़ जगत का जो आदमी है ये तो भजन बोल के कुछ नहीं करता, इसके लिए कैसे अप्लाई हो। ये तो अपना अपना कर्मफल का अनुसार, ये अपना अपना कर्मफल का अनुसार ये प्रकृति में ये दुनिया में चलते रहते अपना अपना। इसको बोला जाता कर्मफल। कर्मफल एक चीज है और भगवान जो यहाँ कहना शुरू कर दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तये भजम महम, इसका मतलब ये नहीं है ना से जड़ जगत का एक कर्मी है कुछ भी कर रहा है, इसको भगवान फल भरने के है तो देता तो है भगवान ही इनडायरेक्टली। लेकिन विशेष करके इधर ध्यान देने वाली बात है जी यथामंग प्रपद्यन्ते तांग तथाम भयाम्यहम। प्रपद्यन्ते मतलब शरणागत हुआ, तो शरणागत पार्शियल शरणागत हो सकता है, या पार्शियल शरणागत में 20%, 50% शरणागति, 80% शरणागत, 100% तो डिपेंड करता है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते शरणागति के अनुसार, मतलब ये जो है इसमें शरणागत जन छोड़ के दूसरे के लिए प्रयोज्य नहीं है। शरणागत जन मतलब सभी भक्तों हो, भक्तों का तो शरणागति 100%, बाकी जो योग करता है ज्ञान को वो भी तो थोड़ा बहुत है ही है। ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने वाला बात है। ये भी तो थोड़ा बहुत भक्ति अर्थात शरणागति थोड़ा बहुत है ही है, नहीं तो ये क्यों कर रहा है। और भक्ति के अलावा ये लोग बिना भक्ति ये लोग फल नहीं मिलता। तो मांग प्रपद्यन्ते ये मतलब है किसी भी हालत से कम जिसका थोड़ा बहुत और जैसा जैसा प्रपत्ति शरणागति है इन लोगों के लिए प्रयोज्य है। और जड़ जगत का लिए टिट फॉर टैट, जैसा करनी है ऐसा भरनी, ये जड़ जगत का बात है। और भगवान जो कह रहे हैं यहाँ इसमें यह माने बैठता है जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम् ममो आत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थो सर्वशः। असर्वतो भावे मनुष्य जो है मेरा अनुवर्तन करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब। ऐसा करके चैतन्य चरितामृत में भी यही एक ही बात बताया, आमाके तो जे जे भक्त भजे जेई भावे तारे शेषे भावे भोजी एमोर स्वभावे। चैतन्य चरितामृत में है, आमाके तो जे भक्त भजे जेई भावे, हमको जो भक्त जैसे भजन करते हैं उनको उसी भाव से मैं भजन करके उसको पेमेंट देता हूँ। ये मोर स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। और भी है चैतन्य चरितामृत में मध्य खंड में, ये तो आदि खंड 4 इसका बताया। मध्य खंड में भी है कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व होते, पहले से ही कृष्ण का एक स्टैंडिंग प्रतिज्ञा है जे जैसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे। जो कृष्ण को जैसे भजन करता वो ऐसे ही भजन करके पेमेंट करता, उसको ऐसे भजन कर देता है। एक ही ईश्वर चैतन्य चरितामृत में है, एक ही ईश्वर भक्तों के ध्यान का अनुसार एक ही ईश्वर, भक्तों का ध्यान का अनुरूप एक ही विग्रह करे नानाकार रूप, ये लिखा है चैतन्य चैतन्य तो मध्य में एक ही ईश्वर है, लेकिन भक्तों का ध्यान के अनुसार जैसे तुलसीदास जी कांच मंदिर हमारा वृंदावन में, वो लाला बाबू मंदिर का पास गोपेश्वर का पीछे तुलसीदास जी महाराज भजन किए बहुत दिन, और भजन के द्वारा संतुष्ट होके भगवान प्रकट हो गए कृष्ण रूप। तुलसीदास जी का बारे में ये आता है कि तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि मुनि थे पहले जन्म में, ऐसा आता है। तो तुलसीदास जी महाराज देखते रह गए भगवान को दंडवत करके, लेकिन एक विनती की कृपा करके अगर मेरा इष्ट वस्तु दिखाए, मेरा इष्ट देव का रूप में आप दर्शन दोगे तो अच्छा है कृपा करके। तो भगवान बाद में राम रूप दिखाए, पहले कृष्ण रूप दिखाए थे। तो भक्तों का मन में जो जैसा ध्यान है, जैसा आकर्षण है, वैसा मुताबिक एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, जैसे जैसे ध्यान ऐसा मुताबिक एक ही विग्रह है अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान, ये करे नाना नानाकार रूप, अलग अलग रूप से प्रतीत होते रहते हैं। अलग अलग रूप से हैं प्रतीत तो होते रहते हैं, अर्थात लगने रह जाते, ऐसा है ऐसा है ऐसा लगता है अलग अलग रूप से। श्री नारद पंचरात्र में भी एक श्लोक आता है, या मनिर यथा विभागेन पी नील पीतादिभिर्जुतः रूप भेदम अवापनति ध्यान भेदात तथा अच्युता। ये नारद पंचरात्र का ये श्लोक है। मनिर यथा विभागेन नील पीतादिभिर्जुतः रूप भेदम अवापनति ध्यान भेदात तथा अच्युता। जैसे एक हीरा एक एक एंगल से उसको दर्शन करो, हीरा को एक एक ड्यू टू रिफ्रैक्शन अलग अलग रूप कलर दिखाई पड़े, कोई बोले पीला, कोई बोले लाल, कोई बोले नीला, ऐसा करके एक एक एंगल से मनिर यथा विभागेनो नील पीतादि फिर युता, ऐसे ही दर्शन होते रहते, किसी का बात झूठा नहीं, ठीक ही बताए। फॉलो नैवात मनोपहुरयम निजलाव तुष्टो, ये श्लोक चर्चा होनी चाहिए। ये सप्तम स्कंद प्रहलाद महाराज की सुंदर। मनिर यथा विभागेनो नील पीतादिभिर्जुतः रूपो भेदम अवापनति ध्यानो भेदात तथा अच्युतः। ये अच्युत वस्तु, ये भगवान जैसे एक मणि हीरे एक एक एंगल से दृष्टिकोण से दर्शन करो तो इसका अलग अलग रंग बैठेगा, लगेगा कि ये अलग। ऐसा ही भक्तों का ध्यान का अनुसार दर्शन में भी फर्क हो जाता है अलग अलग। वो अपना जो इष्टदेव इष्टदेव को दर्शन करना चाहता है, ये ठीक बात है, पृथक पृथक अवस्था, एक ही भगवान है, लेकिन पृथक पृथक रूप के द्वारा प्रतीत होते रहते हैं, दर्शन में अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद इस श्लोक में बताए, भगवान अर्जुन को बताए, कांक्षन्तः कर्माणाम सिद्धिम जजंत इहो देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कांक्षान्तः कर्मणाम, कर्म समूह के सिद्धिम सिद्धिं कांखन अभिलाषीगण कांखनतः कर्मानम सिद्धिम, ये कर्म का सिद्धि लाभ का वासना लेकर चाहत, ये कौर्मी है ना अभिलाष। जैसे पहले दूसरा अध्याय में चर्चा किए, बिना कोई लाभालाभ, कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं है, ऐसा निष्काम भाव से कर्म करे वो ठीक है। लेकिन यह बताया कांखनतः, जो व्यक्ति आकांक्षा रखने वाले किस चीज का, कर्मानाम, जो कर्म करता है उसका ऊपर आकांक्षा है, ये कर्म हमने किया है इसका फल ये मिलनी चाहिए। कांखनतः कर्मानाम सिद्धिम जजंत इहो देवता, ये जो हमारा ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो स्वर्ग लोक के देवता लोगों को जाजन करते रहते हैं, कभी इंद्र को, कभी वरुण को, कई पावन देव को, तमाम देवता लोगों को अर्चन में, शक्ति को, सूर्य गणेश को, गणेश देवता को, सबको आप लग में हिसाब से लगने लग जाता, जाजन करने लग जाता है। क्यों? बोले कर्मजनित तो सिद्धि, ये लोग क्योंकि जल्दी जल्दी सिद्धि मिलना है, ये लोगों को सिद्धि मिलना है बहुत जल्दी, ये रुकने वाला नहीं है। जब भी हमारा शास्त्र में ये विचार आता है, अगर कामना वासना है तो, अगर कामना वासना नहीं भी है तो, हैं कुछ भी हो, अकाम कर्म सर्व काम वा मुक्षु काम उदारुति तीव्रेण भुक्ति योगेन जयेत पुरुषम प्रम, ये भगवत का निर्देश है। अकाम सर्व काम वा मुक्षु काम उदारुति तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व काम मोक्ष काम जो भी हो, लेकिन उदारधी, हृदय में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा साधा इंसान है, उदारधी। इसके लिए भागवत में बताया गया तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषोत्तम, ये तीव्र भक्ति योग की तरह भगवान का ही भजन करे तो अच्छा। तीव्र न भक्ति योगे नो जजेतो पुरुषम परम, इसको भजन करना चाहिए भगवान, क्योंकि इसमें ही फायदा है। और कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवता भगवान का, भगवान तक हमारा पुकार पहुंचता नहीं, ये विचार है। आज दोपहर को चर्चा हो, जीवों को सही पाद संदर्भ में लिखा, पीति संदर्भ में, हमारा आवाज भगवान बद्ध जीवों का जो जितना भी चीखे चिल्ले, ये हमारा भगवान का पास पहुंचता नहीं। क्यों? भगवान ऐसा ट्रांसेंडेंटल रियलिम में है, ये इस जगत का साथ क्या संबंध है? एकमात्र गुरु वैष्णव के दास माध्यम हमारा संबंध बन सकता है, डायरेक्ट नहीं। इसीलिए इधर जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये लोग देवता लोग का भजन करते रहते हैं। और देवता का भजन करने से क्या, जब भी ये कामना वासना के लिए क्षिप्रम शीघ्र भवती, क्योंकि कामना के जो फल है देवता लोग जल्दी दे देते हैं। और भागवत में है अकाम सर्व मोक्ष काम उदार थी, जब इसका बुद्धि सरल है तो इसको किसी भी हालत से मेरा ही भजन करने से, मेरा भजन में ही फायदा है। लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी फल मांगता है, इसलिए देवता लोग का भजन करे कर्मज। कांखनतः कर्मणाम सिद्धिम जजंत इहो देवता, इहो देवता इहो देवता है, इधर का जो जितना सा इहो मन यही मनुष्य लोग के जो देवता लोग का अर्चन होते रहता है, स्वर्ग देवता इसका जजन जाजन करते रहते हैं। क्योंकि ये कर्मजा कर्मजानी तो जो सिद्धि फल क्षिप्रम भवती शीघ्र दे देते हैं। जब भी देवता लोग देते हैं लेकिन भगवान के पावर से ही, मूल वस्तु भगवान, भगवान का शक्ति के द्वारा ही ये लोग को प्राप्त होते हैं, बाकी डायरेक्ट नहीं प्राप्त होना संभव नहीं। तो ऐसा करके ये लोग मनुष्य लोग के जजन करते रहते आकांक्षा करके, और ऐसा करके बताएं ये जो देवता लोगों का भजन करके सिद्धि जल्दी जल्दी सब सिद्धि मिले। धनम देही जन्म देही जसो देही दिशो जोही, ऐसा करके इसी प्रकार भगवान का अवतार का क्या कारण है इसको समझाने के लिए भगवान अभी एक एक करके विचार बता रहे हैं। या हमारा जन्म कर्म में या आस्था रखने वाले इसका विचार क्या है, और जो साधारण जगत का आम आदमी जो है इसका हमारा जो आविर्भाव होने का कारण, यही तो उद्देश्य क्या है। ये लोग धन दौलत चाहिए, पशु चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्रम देही धनम देही, ऐसा करके तमाम देवताओं का भजन करते रहते हैं। और इसी प्रश्नों को, यही एक प्रश्न हमारा परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी का पास रख दी। जो महाराज ये कमाल की बात है, जे भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक है, ब्रह्मांड पति है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जब भगवान को भजन करते हैं ये लोगों को कुछ नहीं मिलते निष्किंचन, और दूसरे देवता लोगों को भजन करे तो मालामाल हो जाते। क्या कैसा ऐसा है, ऐसा कैसे होता है? परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्नों किया है। बड़ा अजीब सा प्रश्न है, फिर भी सही प्रश्न है। यह अक्सर देखा जाता है कि ये देवता लोग को अर्चन करे, देवी मैया का, शंकर का और तमाम देवता का सिद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, नौकरी चाकरी धन दौलत सुंदरी स्त्री, सब तमाम मांगे हैं। ये लोग का मांगे इतना है अनंत, और देवता लोग का कई कई आदमी किसी किसी देवता को, गणेश का पूजा करे, गणेश देवता का, शंकर का, देवी मैया का, सूर्य भगवान का, ऐसा करते रहते। क्यों? और जब भगवान जो परात्पर अखिलेश्वर, अब भगवान का भजन करे तो अक्सर देखा जाता है वो लोग निष्किंचन है, किसी से कुछ मांगता नहीं है, और खाने पीने का मामले भी सावधान है, कुछ थोड़ा थोड़ा खाता है, एंजॉयमेंट का कोई बात ही नहीं है। कैसे ऐसे? सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका सुंदर बड़ा भारी उत्तर दिए। यहाँ बहुत, यहाँ जरूरी है ये। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिए, हरिर ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परे है। हरिर ही निर्गुणो साक्षात पुरुषः प्रकृति परे है। स सर्वोद्रिक उपद्रष्टा त्वं भजनो निर्गुणो भवे। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताए, हरि ही निर्गुणो साक्षात, हरि निर्गुण वस्तु है, हरि प्रकृति परे, और देवता लोग जो है ये प्रकृति का अंदर, ये हमारा 14 भवन का अंदर है। देवी महेश धाम सुते, ये जो है देवी महेश धाम सुते तेसु ते ते प्रभाव निचया विहुताश्चयेन देवी महेशु धामसु तेसु तेसु ते ते प्रभाव निचया विहुताश्चयेन। ये देवी धाम है जिसमें हम लोग है, ये देवी धाम है, उसका ऊपर महेश महेश धाम है ऊपर। ऐसे तो भूर भुवा स्व महो जनो तपो सत्तो लोग ये जो सात धाम ऊपर ऊपर हायर प्लैनेट है, लेकिन इधर ये बताया गया सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हरि ये प्रकृति का कोई वस्तु नहीं है, तुरीय वस्तु है, चिन्ह है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष हो प्रकृति परे। और ये जो हरि है सौ सर्वोद्रिक उपद्रष्टा, हर घट घट में बैठे हुए ठाकुर जी, हर घाट मन में ठाकुर जी बैठा हुआ है। कहाँ जाओगे सब जगह ठाकुर जी सौ सर्वोद्रिक उपद्रष्टा। और बैठे भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और तमाम कर्म का साक्षी बन के रह जाते हैं। उपनिषद में आता है श्वेतसतर उपनिषद में दो पक्षी हैं, एक वृक्ष का डाल पर दो पक्षी बैठे, एक पक्षी निरान्य अर्थात कोई फल फूल खाता नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या करता है? बोले ये देखते रहता है। साक्षी परमात्मा साक्षी रूप से, ये भी पुरुष है। दूसरा पंछी जो है वो ये वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का, ये जो शरीर धारण किए हैं जीव, ये प्रकृति से खेती आपोतेज मारुद बोम लेकर ये सुख दुख का जो ये प्रकृति का फल है, ये पक्षी ये फल को खाते रहते हैं। प्रकृति रूपी ये जो हमारा जो शरीर रूपी जो वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष है, इसका जो फल फूल है, कभी सुख कभी दुख, कभी ये कभी वो, हर वक्त चलते रहता है लपड़ाबाजी, इसी में उलझ जाते हैं, सुख दुखों का फल खाते रहते हैं। और बाकी जो एक पक्षी है वो हर वक्त नजरदारी करते हैं, हर वक्त नजर रखता है, हर वक्त साक्षी बन के रह गया। ये कुछ खाते पीते नहीं, कुछ निरन्य, और दूसरे सुख दुखों का फल खाते रहते, हर वक्त यही चलते, लेकिन अंदर में साक्षी का रूप में भगवान बैठा हुआ है हर वक्त। इसीलिए बताया भागवत का इस श्लोक में हरिर ही निर्गुणो साक्षात पुरुषः प्रकृति परः, प्रकृति का परे वस्तु है, हर जीवों का अंदर घट घट में बैठा हुआ है और बैठ के हिसाब किताब लगा रहा है, जो कुछ भी करे उसका अकाउंट चल रहा है। जैसे कंप्यूटर में काम करो, कुछ भी काम करो, अगर सेव बटन दबाया नहीं तो कुछ भी हुआ तो आपका सारे काम खत्म। लेकिन भगवान का सेव बटन इतना तगड़ा है तो जो कुछ भी काम करो, बीच बीच में फिर बाया बाजू सेव बटन को दबाओ, ये सेव होते रहेगा। ये हमारा जन्म से लेकर अनंत काल से जो कुछ भी काम किए हैं तमाम टेप होते आ रहे हैं। समझो कितना तगड़ा भगवान का सिस्टम, सारे टेप होते रहता है, वो छुपाने वाला कोई बात ही नहीं है, सारे एक्सपोज हो जाए। स सर्वोद्रिक उपद्रष्टा, उपद्रष्टा माने उपद्रष्टा का मतलब जीव तो दृष्टा है ही है, उसका अभिमान है। दृष्टा दृश्यो ये बात, ये विचार के बारे में प्रभुपाद बहुत सारे हरि कथा बोले। दृष्टा दृश्यो, हम दृष्टा बन के बैठे हैं, भोक्ता दृष्टा। प्रभुपाद इसका खिलाफ है, बार बार बोला नहीं, जब तक बुद्धि है कि मैं दुष्टा हूं, मैं भोक्ता हूं, तब तक बंधन नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये भोक्ता, ये मूड ऑफ एंजॉयमेंट, कर्तापन, इसको हटाया जाए तो भगवान जगन्नाथ के सामने जाके ये नहीं बोल सकता मैं जगन्नाथ आज कितना ड्रेस पहना, बस सुंदर हुआ, अरे काल का ड्रेस अच्छा नहीं था, ऐसा होता है। लेकिन ये हमारा दुरुष्ट अभिमान, भगवान दर्शन करने नहीं देंगे। जब तक ये दर्शन लेके हम ठाकुर जी का पास, गुरु वैष्णव का पास जाएंगे, तब तक हम फेल्योर हो जाएंगे। एक प्रोफेसर का बात काल हम उठाएंगे, आज टाइम नहीं है। तो प्रभुपाद कितना बताए, कितना विचार करके बताए, लेकिन वो प्रोफेसर समझा नहीं, गुस्सा हो गया प्रभुपाद का विरुद्ध में। एक नंबर उल्टानंगी जंक्शन, काल हम बताएंगे, हैरान होने वाला बात। हम गुरु वैष्णव के दर्शन कर लेंगे, भगवान को दर्शन कर लेंगे, वृंदावन को दर्शन कर लेंगे, आर कबे निताय जादेर करुणा हबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। बोलो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरबो, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। कमाल की बात है। नरोत्तम ठाकुर महाशय, आपका तो दीक्षा लोकनाथ गोस्वामी से हुआ, खदीर वन में, खैरा में। आप तो वृंदावन में बहुत टाइम थे, जीव गोस्वामी का पास, है ना, शिक्षा गुरु का पास सीखा, और फिर आप ये कह रहे हैं कि कैसा बकवास है। आर कबे निताय चाँदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हईबे, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हमें मन। विषय छोड़ के, विषय बिल्कुल छोड़ के एकदम सफा हो गया था। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हमें मन, मतलब विषय रहने से कंटेमिनेशन है। नौतों ठाकुर कहते हैं विषय छाड़िया कभी शुद्ध हमें मन, कबे आम हेरो वसी बिंदावन। मतलब नरोत्तम ठाकुर महाशय हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि वृंदावन ये आंखों के द्वारा देखने वाला चीज है नहीं। अगर हम बताएं नरोत्तम ठाकुर महाशय आपका तो दीक्षा तो उधर ही हुआ था, तो कैसा है, हम उल्लू हैं इसलिए बताएं वृंदावन, ऐसा नरोत्तम ठाकुर विचार करके ही बताएं। ये प्रमाण करना चाहा कि हम वृंदावन देखे नहीं आज तक, ये आंखों के द्वारा देखने वाला चीज नहीं। जब तक द्रष्टा दृश्यो, हम दृश्य है भगवान का सामने, हमारा ये सौंदर्य है रूप गोस्वामी पाद के चरण का धूली लेपन करके असमापिक रूप सौंदर्य प्राप्त किए हैं कि जगन्नाथ बिकम इंटरेस्टेड टू सी मी। भगवान जगन्नाथ बड़ा बेचैन हो जाए कि हम जाके देखें कितना सुंदर है, कितना सुंदरी है मेरा गोपी। मतलब सेवा शरीर, अप्राकृत सेवा शरीर। अगर जड़ शरीर के साथ ही भगवान का नाता है, सुंदरी को देखना चाहता है, रासलीला नाचना चाहता है, तो पुतना क्या गलती की, पुतना तो सुंदरी रूप पकड़ करके आई थी, अप्सरा भी नहीं। लिखा हुआ है भागवत में साक्षात लक्ष्मी, जैसे साक्षात लक्ष्मी आई, फिर भी तो गोपाल देखा नहीं ये सुंदरी रूप को, गोपाल ने आंख बुझा ली, लिखा है। पुतना इतना सुंदरी बन के आई थी, लक्ष्मी देवी जैसी, फिर भी गोपाल ने देखा ही नहीं, क्योंकि कदाकार रूप है, ये सेवा का रूप नहीं है। गौड़िया दर्शन में डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर रह जाओ तो रह जाओगे, कुछ नहीं है। कितना गहरा विचार है। हम लोगों को सुंदर रूप पकड़ना है, सुदर्शन के कृपा से सुंदरी, जैसे भगवान संतुष्ट हो जाए, देखने के लिए बेचैन हो जाए कि देखे कैसा, ये सेवा का रूप है। तो जो भी है ये तो दुरुष्टा, काल हो सके तो थोड़ा चर्चा करेंगे प्रभुपाद का क्या विचार है, और ये कहानी भी बताएंगे प्रैक्टिकल। तो यह श्लोक में आता है हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृते परे है सौ सर्वद्रिक उपद्रष्टा तंग भजनु निर्गुणो भवेत। हरि निर्गुण वस्तु है, प्रकृति में जो कुछ भी देवता का पूजा करो, शंकर आदि गणेश देवी, वो सारे प्रकृति का अंतर्गत वस्तु, लेकिन भगवान तुरीय वस्तु है। भगवान का भजन करना चाहो तो भगवान अप्राकृत है, चिन्मय है। आपको भी अगर भगवान कृष्ण का भजन करना है तो आपको भी इस तक पहुंचना है। चिन्मय नहीं जब तक हो पाओगे कृष्ण भजन होता नहीं। ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, गुरु वैष्णव का आदेश पालन कर रहा है, हरि कथा सुन रहा है। प्रैक्टिस, इट्स वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल सेवा कैन ओनली बी स्टार्टेड कब? जब इसी स्थिति में वह पहुंच जाए। चिन्मय वस्तु और प्राकृत वस्तु को वो प्राकृत गोचरना है। इसका बारे में काल और थोड़ा चर्चा करने का आशा रखते हुए इधर ही खत्म करें। समय कम होने के कारण बता नहीं पाए। भक्ति योगेन मनसि सम्मक प्रणिहिते अमले अपश्यद पुरुषं पूर्णं मायांच तदपाश्रयं जयासनमहितो जीवो आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो योपि मनुते अनर्थं तत्कितं चाभि पद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधक्षये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमः।